ये तो आए हाय यार। मुस्की मतलब जानते हैं गाइस आप लोग, कुछ लोग नहीं जानते होंगे मुस्की मतलब कि धीरे धीरे ऐसे करके। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं सपना। गाइस अभी बजे हुए सुबह का 6:30 और मैं नहा धोकर मस्त रेडी हूँ। तो ये देख लो भाई, जो जो भी हमारा उठ गया है, जो जो गुड मॉर्निंग, गुड जो जो ने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया है। तो गाइस गाड़ी पर आ चुका हूँ, करते हैं भोलेनाथ को प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम और हनुमान जी महाराज को प्रणाम, फिर निकलते हैं गाइस। तो ये अपने हनुमान जी महाराज, ये हैं गणेश भगवान, ये हैं भोलेनाथ। क्या हो गया सुबह से ऐसे बैठे हो? अरे कैसे बैठे हो आलस में, तुमसे राम कहो ना जाए, और तुमसे राम कहो ना जाए, तुमसे आनंद कहो ना जाए। तो गाइस देख लो कैसे बैठी है सवेरे से, हो भाई साहो। चलो क्या हो गया देख लो भाई, सुबह से तबीयत डाउन हो गई। चलो बाय 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 जुजो। तो गाइस अभी खड़ा हूँ चांडक चौक में और पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ, पार्टी अभी आई नहीं है तो चलते हैं, जब तक सामने पोहा खाएंगे। वो इंदौरी पोहा है भाई, वो देखो एक नंबर। गाइस हमें जाना था सतना, लेकिन हम लोग आ गए हैं मैहर। सतना जाना कैंसिल हो गया, पार्टी लेकर के आई है हमें मैहर। और गाइस अभी यहाँ पर पार्किंग में मैं रुका हुआ हूँ, पार्टी गई हुई है मैहर माता जी के दर्शन करने और छोटी सी बच्ची है तो उसका मुंडन कराने के लिए। गाइस अभी लगाई हुई है भूख, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। तो गाइस अभी हम खाएंगे ये क्या बोलते हैं गाइस इसको, मूंग दाल। तो गाइस गाड़ी में चलते फिरते हुए कुछ ये चटपटा आइटम खाने का अलग ही मज़ा होता है गाइस, बहुत मस्त लगता है। कहीं बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चाबते रहो तो बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस हम अभी कर रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल की टेस्टिंग। तो गाइस थोड़ा बहुत मैं भी लगा लेता हूँ, लेकिन गाइस देखो आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद क्या होता है, ये देख लो भाई बालों की हालत देख लो भाई, नागिन बन रहे हैं देख लो, ऐसे हो गए बाल मेरे। मतलब इनको कितना भी मैं वो मोड़ लूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो नागिन ही बन जाएंगे गाइस, ये देख लो ऐसे हो गए हैं। तो मतलब ये फ़र्क पड़ रहा है मेरे बालों में गाइस। ये बालों वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया ना, ये झूठ फेक है गाइस, ये फेक है। बालों में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरे बाल ही ऐसे हो गए हैं, मतलब मुड़ गए, राउंड हो गए हैं, नागिन बन गए हैं, फन उठा करके बैठे हुए हैं। गाइस अभी लग रही है बहुत तेज़ी से गर्मी, तो थोड़ा सा लेते हैं एसी का आनंद। लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं जो एसी का आनंद ले रहे हैं, आपको दिखाएं कौन कौन है। देखो कौन है, देखो गाइस गैस करो कि कौन है, गैस कर लो, देख लो गैस करो भाई कि हमारे साथ में कौन है। देखो आपको बता ही देता हूँ, ये देखो भाई कहाँ गई, ये देख लो, ये देखो ये देखो, ये मक्खी एक, ये और भी है एक, ये कीड़ा छोटा सा एक, ये देखो ये दो तीन कीड़े ये छोटे छोटे, ये देखो ये मक्खी है और कहाँ गई भाई, एक ये बैठी है, ये बैठी है और कौन है भाई, और ये देखो गाइस ये एक मक्खी है, एक मक्खी वो। मतलब गाइस गाड़ी में मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 12 सदस्य हैं इस गाड़ी में और फुल एसी का आनंद ले रहे हैं गाइस। सभी को गर्मी लगती है गाइस, समझिए फीलिंग को समझिए गाइस। तो गाइस बहुत देर हो चुके हैं एसी की हवा लेते हुए, और एसी की हवा ले ले करके गाइस पेट में भूख लगाई है। तो देखते हैं गाइस अभी चलते हैं कहीं ना कहीं, कहीं कुछ खाएंगे गाइस। पार्टी का कोई भरोसा नहीं कितने बजे तक आ रही है, क्योंकि पार्टी गई है मुंडन कराने के लिए, छोटी सी बच्ची है तो उसका मुंडन कराने के लिए गई है। गाइस पार्टी का भी फोन आया, बोल रहे हैं कि रोपवे के पास आ जाओ गाड़ी लेकर के। तो मैंने बोला कि गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं रही, तो बोल रहे हैं गाड़ी अंदर जा रही है, तो देखता हूँ गाइस अंदर चली जाएगी गाड़ी तो अंदर ही लेकर के जाता हूँ, वहीं पर खाएंगे खाना फिर चलते हैं। गाइस आज भीड़ तो नहीं लग रही, उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, तो हो सकता है कि गाड़ी चली जाएगी अंदर यहाँ से, देखते हैं। भाई कैसा कान में मोबाइल लगा के चलती हैं लड़कियाँ, हैं बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बताओ हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ से कटवाएंगे पर्ची पहले, पर्ची कटवाना पड़ेगा वहाँ तो दिए वहाँ पर,
अरे वहाँ पर गाड़ी लगी थी, वहीं पर अंदर है हमारे लोग। तो वहाँ अलग यहाँ अलग? वहाँ कटी है क्या? हाँ जाने दीजिए ना भाई साहब। तो गाइस चूतिया बना दिए यहाँ पर हमने, बेवकूफ बना दिए और बेवकूफ बना के निकल गए गाइस। गाइस झूठ बोल दिया मैंने कि वहाँ पर पर्ची कटी, वहाँ भी मैंने पर्ची नहीं दिया और यहाँ भी नहीं दिया मैंने। तो गाइस अंदर निकल चुका हूँ मैं, अंदर जाने को मिल रहा है, मतलब आज भीड़ नहीं है। देखो भाई बहुत मस्त लगता है गाइस यहाँ आने के बाद, देखो क्या मस्त लग रहा है, क्या व्यू आता भाई यहाँ पर। गाइस एसी चला चला कर मैंने देख लो पूरा पेट्रोल ख़त्म कर दिया, 43 किलोमीटर रेंज बता रही है गाड़ी की। माँ शारदा देवी धाम तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत है, जय माता दी मैया, जय हो मैया। तो वो है अपनी माता जी का मंदिर, वो देखिए गाइस, जय माता दी मैया और ये जय माँ शारदा। अब देखा माता जी का मंदिर, फिर से छुप गया भाई, पेड़ आ गया। सामने वाला पहाड़ तो देखिए क्या मस्त लग रहा है भाई, कितना ग्रीन ग्रीन पूरा, बिल्कुल क्या गजब की वाइब्स आ रही है भाई यहाँ पर देखिए। ओह माय गॉड गजब लग रहा भाई। गाइस अंदर तो आ गए हैं लेकिन यहाँ पर भी काफी जाम जाम सा लग रहा है गाइस, जाम जाम सा लग रहा है, क्या बताए गाइस, ये लोग ऐसे हम फंसते ही जा रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं। तो गाइस आ गई अपनी पार्टी और पार्टी को बढ़ाते हैं। अंकल जी हो गया मुंडन, क्यों चलिए मस्त हो गए बिल्कुल मस्त। अब कहाँ चलेंगे अंकल जी? स्टेशन खाना खाएंगे वहाँ। अच्छा जय माता दी। ये तो कमाल कर दी यार, ना कहीं नहीं रोका है। फिर से जाम लग चुका है और ये भाई बहुत परेशान हो रहा है। मुंडी क्या नाम है अंकल जी? क्या नाम है गुड़िया का? अबिका। अबिका हंस रही मस्त है, मस्त है। देख लो भाई कहाँ से घुसते हैं लोग। तो गाइज हम खाएंगे यहाँ न्यू राम भंडार वेज रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाना खाएंगे और हमने गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिए हैं। तो गाइज चार्जर ले लिए, मोबाइल की बैटरी डाउन है तो कुछ चार्ज भी कर लेंगे। गाइज होटल तो अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है गाइज भाई। गाइज होटल में खाना अच्छा हो या ना हो लेकिन डिज़ाइन तो एक नंबर रहती है। ये देखो हमारी थाली भी आ चुकी है, खाना आने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। तो गाइस हम खाएंगे बैगन भरता और रोटी। गाइस कटनी पहुंच गए हैं और पार्टी को छोड़ दिया हूं गाइस और चलते हैं गाइस घर। जो जो एक चीज ये है और एक चीज ये है। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और गाइस पियेंगे चाय। बनाओ भाई जल्दी चाय आए। कहां जाएगा था ने? कहां? मठा भगार के। हैं? मठा भगार के। मठा भगार के? भुट्टा खाने? पागल आ गए लोग। कहाँ बारिश हो रही? कहाँ बारिश हो रही? आ रही है बारिश हो रही। कहाँ जाना है? भुट्टा खाने। भुट्टा खाने तो यहीं से ला देता हूँ कहीं से। त्यूरी जाऊँगा। तो गाइस देख लो कह रहा है कि त्यूरी जाऊँगा भुट्टा खाने के लिए। गाइस बहुत दूर है त्यूरी, पास में नहीं है। 50 किलोमीटर तो है। कितना है बताओ? 30 किलोमीटर। गाइस बहुत दूर है त्यूरी, बहुत बहुत दूर है। तो चाय पी लें हाँ। फिर हम आराम करते हैं। गाइस हम भटा भरता की रोटी, भटा भरता और रोटी खाएं और इनको भुट्टा खवाएं ले जाएं। भुट्टा खवाएं, भुट्टा खवाएं। भटा भरता कितना बढ़िया होता है ढाबे का, और आप ना बताएं कि भटा भरता हमको तो वही सड़ा सा पनीर और मटर खवा दी रही। अच्छा सड़ा सा पनीर और मटर,
तुमको भी खवा देंगे भटा भर तला दे। पनीर को नहीं खाना चाहिए है ना, नहीं खाना चाहिए, पनीर खराब होता है क्योंकि वो अपन उसको फाड़ देते हैं फिर बना देते हैं। पागल हो, खाने की चीज है, खाना चाहिए। मैं तो वैसे ही नहीं खाते। मुश्किल तो भुट्टा, वो भुट्टा की निकल रही है कि बहुत दिनों बाद भुट्टा खाएंगे। गाइस देख लो, ऐसी ऐसी मुश्किल होती है। मुश्किल मतलब जानते हैं गाइस आप लोग, कुछ लोग नहीं जानते होंगे मुश्किल मतलब कि धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे ऐसी निकलती है, उसको कहते हैं मुश्किल। चैन की तरह खुलती है, धीरे से यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, बट कैसे गाइज हम लोग जा रहे हैं भुट्टा खाने के लिए त्योरी। ये वाला वीडियो गाइज आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम चले नॉन एसी में, तो मैं लगा आए एसी में, स्कूटी वाले। ओहो हो, नेचुरल हवा वाले हो तुम क्यों?